हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। तो ये काम करते हैं, अब अपनी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है भैया, ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है, इसी के बिना पर आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, सिस्टम्स हैं और बड़े बड़े प्रोसेसर हैं, वो सारे के सारे इसी आर्किटेक्चर में बेच रहते हैं। ठीक है भैया, तो बढ़िया एक एक करके समझना शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा फेच, डिकोड और एग्जीक्यूशन साइकिल के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो बात करते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में। देखो, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जब मैंने आपको बैंक वाला एग्जांपल दिया था तो उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि देखो, हमारी मेमोरी के अंदर दो तरह से डेटा स्टोर होता है। एक तरह का डेटा क्या होता है भैया कि हमारा, जैसे मैंने आपको बैंक वाला एग्जाम्पल में बताया था कि हमारा नाम हुआ, हमारा अकाउंट बैलेंस हुआ, ठीक है, और अकाउंट नंबर हुआ, ये हमारा डेटा है। और एक प्रोसेस होती है जिसकी बदौलत हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं या उससे काम लेते हैं। ठीक है, तो वो दोनों तरह का, जो दोनों तरह की इंफॉर्मेशन है हम अपनी मेमोरी के अंदर रखते हैं। ठीक है भाई, इतनी बार समझ में आई। चलो मैं इसको आपको बार थोड़ा सा डायग्राम में बता देता हूं। मान लो ये हमारी मेमोरी है, तो इस मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी। एक होता है हमारा डेटा, ठीक है, एक होगा हमारा डेटा जिसके ऊपर हमको मैनिपुलेशन करना है, और एक वो इंस्ट्रक्शंस होंगे जिनकी बदौलत हमको डेटा को मैनिपुलेट करना है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है भैया, ये बात समझ में आई। तो भैया वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर यही बोलता है। ठीक है, इससे पहले के जो आर्किटेक्चर थे, मतलब इससे पहले के आर्किटेक्चर थे, जैसे हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में आपने नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताता हूं, इससे पहले जो आर्किटेक्चर थे उसमें क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, हम लोग दो तरह की मेमोरी बनाते थे। मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर क्या होगा, हमारा सिर्फ डेटा होगा, और एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, एक इस मेमोरी जिसके अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शन होंगे, और इन दोनों को एक्सटर्नली हम कम्युनिकेट कराते थे। मतलब ये दोनों अलग अलग मेमोरी है, बस अभी दोनों क्या करेगी, बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, तो ये एक ऐसी मेमोरी, ये दोनों बीच में कम्युनिकेट करेंगी। ये होता था पुराने जमाने के आर्किटेक्चरों में, लेकिन जब वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आया तो उसने ये बोला कि नहीं भैया, अगर ये सब करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक तो थोड़ा टाइम डिले बचेगा, क्योंकि अलग अलग मेमोरी है, कम्युनिकेट करने में टाइम लगेगा। दूसरा भैया, हमारे क्या होगा, थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट क्यों बढ़ेगी, हमको दो अलग अलग मेमोरी बनानी पड़ेगी, फिर उनको कम्युनिकेट कराने के लिए अलग से हार्डवेयर लगाने पड़ेंगे। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ने इन सबको ओवरकम किया और फिर क्या बोला कि भैया हम एक काम करेंगे, हम एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाएंगे जहां पर हम सिंगल मेमोरी का यूज करें। किसका मेमोरी, सिंगल मेमोरी, वही मेमोरी हमारा डेटा भी स्टोर करेगी और वही मेमोरी हमारा प्रोसेस को या फिर इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर करेगी। इतनी बात समझ में, मतलब भैया यही हमारी मेमोरी है, यही मेमोरी हमारी रिस्पॉन्सिबल होगी किस चीज के लिए, यही मेमोरी हमारी रिस्पॉन्सिबल होगी डेटा के लिए, और यही मेमोरी हमारी रिस्पॉन्सिबल होगी इंस्ट्रक्शन के लिए। यही बात भैया हमारे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेसिकली हमको बोलता है। ठीक है भाई, समझ में आया। ठीक है, तो भैया देखो, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में लिखा है कि एक कंप्यूटर डिजाइन मॉडल है। ठीक है, मैंने आर्किटेक्चर के बारे में आपको, जब मैंने आपको आर्किटेक्चर के बारे में बताया था तो उसमें आपको बताया था क्या कि आर्किटेक्चर बेसिकली मैप बताता है। तो आर्किटेक्चर मतलब आप जो भी डिजाइन करने वाले हैं, अगर आप बोलेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर या फिर होम आर्किटेक्चर, बिल्डिंग आर्किटेक्चर, इसका मतलब क्या, बेसिकली उसका मैप, उसके डिजाइन की बात कर रहा है। तो बेसिकली भैया वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि यूज अ सिंगल मेमोरी फॉर स्टोरिंग बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। ठीक है, बात समझ में, जो मैंने आपको बोला ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है भाई, ठीक है, और ये आर्किटेक्चर आज की दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, इसके ऊपर सारे कंप्यूटर बनाए जाते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टी लेवल कंप्यूटर, ठीक है, मल्टी स्ट्रीम कंप्यूटर्स और हाईली प्रोसेस कंप्यूटर जितने भी सब बनाए जाते हैं, वो सारे कंप्यूटर्स वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के ऊपर बेच देते हैं। मतलब भैया सिंगल मेमोरी होती है, उसी मेमोरी के अंदर हम डेटा भी रखते हैं और उसी मेमोरी के अंदर हम इंस्ट्रक्शन भी रखते हैं। ठीक है भाई, समझ में आई। चलो बहुत बढ़िया। अब भैया हमारे तीन मेन कंपोनेंट होते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर। एक होता है मेमोरी, एक होता है भैया प्रोसेसर, और दूसरा होता है, तीसरा होता है इनपुट आउटपुट यूनिट। ठीक है भैया, हमको ये चीज थोड़ी थोड़ी सुनी सुनी सी लग रही है, अभी मैं आपको बिल्कुल एकदम दिमाग को एकदम ऐसे खोल दूंगा तो आपको लगेगा अरे वाह, मतलब कि ये सब चीजें हम पहले ही तो पढ़ चुके हैं भाई। एक काम करो, इसको नोट करो पहले। ठीक है भाई, तो भैया देखो, अब मैं आपको एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज देने वाला हूं, वो ये चीज है कि आप जब भी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में एग्जाम में लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ये कुछ पॉइंट लिखना है, उसके बाद आंख बंद करो और ये देखो भैया, यही डायग्राम बनाना है। मतलब कि ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, जो फंक्शनल यूनिट्स मैंने आपको समझाए थे, बेसिकली वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ही था।
वहां पर मैंने इनपुट आउटपुट मेमोरी प्रोसेसर जितना भी सब कुछ बताया है कैसे उसके अंदर इंटरनल काम होगा। जब मैंने वो अपर केस और लोअर केस वाला अपना एग्जांपल दिया था ना, वो सेम वर्किंग होती है किसकी, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की। और उसके बाद यही डायग्राम बनाना है। और जो पिछली वीडियो में आपने फंक्शनल यूनिट्स के बारे में पढ़ा, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में भी आपको एज इट इज सेम टू सेम चीजें लिखनी है, कुछ अलग नहीं लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक तीर हो गए और उस तीर से दो शिकार हो गए। कौन कौन से भैया, हमको एक बार हमने क्या पढ़ा, फंक्शनल यूनिट्स, और बस उसके बाद क्या, हमने थोड़ा सा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा कि वो क्या करता है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हमने पहले पढ़ा था वही कभी दोबारा पढ़ लिया। बेसिकली दोबारा क्या पढ़ा, वो तो हमको याद था ही ना, है ना भाई। चलो भाई, मतलब इसका मतलब यह है कि हमने एक बार जो चीज पढ़ी वो हमारी दो दो जगह यूज हो गई। इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। मतलब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो डेफिनेशन लिखनी है आपको कि भैया ये सिंगल मेमोरी का यूज करता है, ठीक है। उसके बाद आपको फंक्शनल यूनिट्स में जो जो लिखा था आपने सिर्फ वही वही लिखना है, ठीक है भाई। ये डायग्राम वहां बना के आना है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, बना लिया इसका डायग्राम। चलो अब भैया, जो मैंने आपको बोला था फेच एग्जीक्यूशन साइकिल, बेसिकली फेच डिकोड एग्जीक्यूशन और स्टोर, ये चार स्टेप की प्रोसेस होती है। इन चार स्टेप्स को अपना के प्रोसेसर क्या होता है, मेरे को आपको मैंने जब ये डायग्राम बताया था पिछली वीडियो में जब मैंने आपको डायग्राम बताया था तो मैंने बोला था कि भैया जो प्रोसेसर होता है ना उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट और एक होता है एएलयू अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, ठीक है भैया। तो सीपीयू बेसिकली क्रेडिट लेता है, काम कौन करता है, ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कंट्रोल यूनिट ये सारे डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सारी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर कैसे पूरे कंप्यूटर का काम करते हैं, यही बेसिकली फेच डिकोड एग्जीक्यूशन साइकिल कहलाती है। मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे सबसे पहले ये चीज एक बार समझा देता हूं, ठीक है भाई। तो ये ब्लैंक स्लाइड पे अपन आ चुके हैं, ब्लैंक स्लाइड पे हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि सीपीयू जो है वो मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के अंदर सॉल्व करता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम टाइम को बहुत ही ज्यादा स्लो कर देंगे और एक एक इंस्ट्रक्शन को कैसे सीपीयू एग्जीक्यूट करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा अपन एग्जाम्पल लेने वाले, ठीक है भाई। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला कि हमारा प्रोसेसर जो है वो क्या करेगा, मिलियंस इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा एक सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। तो क्या होगा भैया, होगा ये कि वो मेमोरी के अंदर से, ये हमारी मेमोरी है, ये हमारी मेमोरी है, उस इंस्ट्रक्शन को लेकर आएगा। कहां पर लेकर आएगा, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट दो ब्लॉक बनाएगा। एक ब्लॉक के अंदर वो करेंट इंस्ट्रक्शन रखेगा और भैया दूसरे ब्लॉक के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखेगा। क्या रखेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखेगा, याद रखना एड्रेस रखेगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर वो करंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट कराना है, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को 3 प्लस 2 करवाना है, मुझे ए प्लस बी कराना है, तो मेरे मेमोरी में कहीं पर ए रखा होगा, कहीं पर बी रखा होगा, ठीक है, और कहीं पर ये इंफॉर्मेशन रखी होगी कि जहां पर मुझे वो प्रोसेसिंग करवानी है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, हमारी मेमोरी के अंदर डेटा होता है और क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, डेटा होता है और इंस्ट्रक्शन होता है। तो ठीक है भैया, क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन क्या लेके आया, वो ये बोल रहा है कि भैया क्या होगा, ए प्लस बी करवा दो, ठीक है भाई, ए प्लस बी करवा दो। ये क्या किया, करेंट सीपीयू ने करंट इंस्ट्रक्शन के पास लोड कर लिया। करंट इंस्ट्रक्शन कहां पर स्टोर होता है, करंट इंस्ट्रक्शन एक रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। करंट इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है एक रजिस्टर के अंदर। रजिस्टर बेसिकली एक तरह की मेमोरी होती है, हम आपको मेमोरी यूनिट में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। रजिस्टर एक बेसिकली मेमोरी होती है, जो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है वो करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर स्टोर कर रखता है। ये भी एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर, बेसिकली एक तरह की मेमोरी है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ज्यादा अगर नहीं आ रहा समझ में, तो बेसिकली दो ब्लॉक हैं, ये दोनों तरह की एक एक मेमोरी है। पहली मेमोरी होगी करंट इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगी और दूसरी मेमोरी होगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करेगी। अब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, ए प्लस बी करने के बाद आप सी प्लस डी करवाना चाहते हो, ए प्लस बी कराने के बाद सी प्लस डी कराना चाहते हो, तो सी प्लस डी जहां पर मेमोरी में रखा होगा उसका एड्रेस हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर आके रख जाएगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई, मान लो करंट इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, ए प्लस बी हो चुका है, अभी कैसे होगा तो बताएंगे, पर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप में ये होगा कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन था अब वो करंट इंस्ट्रक्शन बन जाएगा। अब क्या होगा भैया, हमारा सी प्लस डी बन जाएगा क्या, करंट इंस्ट्रक्शन, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बन जाएगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होने वाला होगा, मान लो अब ई प्लस एफ हमारा नेक्स्ट
इंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो ठीक है भैया, ये कहां पर आ जाएगा, ये हमारे प्रोग्राम काउंटर बेसिकली दूसरे वाले मेमोरी ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसी प्रोसेस को मतलब बेसिकली मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लोड कराना या फिर कौन से इंस्ट्रक्शन को हमको एग्जीक्यूट करवाना है अभी और एक स्टेप बाद, मतलब करंट और नेक्स्ट के अंदर कौन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, इस काम को बोलते हैं हम फेच। क्या बोलते हैं? इस काम को बोलते हैं फेच। तो बेसिकली अगर फेच को डिफाइन करना होगा तो फेच क्या होता है, मेमोरी के अंदर से इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट के पास लेकर आना कहलाता है फेच करवाना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, ठीक है, चलो ठीक है, फेच समझ में आ चुका है हमको। हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो अब भैया हमने क्या कर लिया, हमने फेच तो समझ लिया, हमने फेच तो समझ लिया कि फेच बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अपने ब्लॉक के अंदर एक में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा जिसके अंदर हमारा करंट इंस्ट्रक्शन होगा और एक होगा प्रोग्राम काउंटर, बेसिकली ये भी एक तरह का रजिस्टर होगा जिसके अंदर हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होने वाला है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमारा करंट इंस्ट्रक्शन जो है वो है ए प्लस बी, तो इसका मतलब हमको ए प्लस बी कराना है, ये बात हमको पता चल चुकी है। अगला स्टेप आता है डीकोड। डिकोड का मतलब क्या होता है, डिकोड क्या होगा, हमारा बेसिकली प्रोसेसर जो है, हमारा बेसिकली कंट्रोल यूनिट जो है, अब वो ये चीज एनालाइज करेगा, अब वो ये चीज एनालाइज करेगा कि क्या इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर क्या डेटा रिक्वायरमेंट है और बेसिकली ऑपरेशन क्या है, इसका मतलब समझो। ठीक है, उसने एनालाइज करना शुरू किया कि अच्छा ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है भैया इसके अंदर जरूरत क्या क्या की, इसके अंदर ए की जरूरत है, तो एक काम करो मेमोरी से ए का डेटा लोड करके मेरे पास लेके आओ। तो यहां पर मेमोरी के अंदर जहां पर भी ए का डेटा लोड होगा वो क्या होगा भैया, यहां पर आ जाएगा। तो भैया होगा हमारे पास ए के अंदर जो भी डेटा है वो हमारे पास लोड हो जाएगा। उसके बाद वो बोलेगा क्या ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या है भैया, प्लस का ऑपरेशन है। ठीक है भैया, प्लस ऑपरेशन कराना है, दूसरा ऑपरेशन। देखो प्लस के बारे में तो कंप्यूटर को पता ही है ना, प्लस कैसे करते हैं, लेकिन उसको डेटा किसके ऊपर मैनिपुलेशन करना ये नहीं मालूम, तो क्या करेगा वो मेमोरी से लेके आएगा। उसके बाद दूसरा देखेगा भैया दूसरा क्या है, बी। काम करो बी के डेटा को भी लेके आओ, तो बी का डेटा भी जो क्या होगा यहां पर लोड हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो भैया ये चीज एनालाइज करना कि क्या डेटा है और क्या ऑपरेशन है, इसको बोलते हैं डिकोड करना। क्या बोलते हैं? डिकोड करना, कि क्या डेटा है और क्या ऑपरेशन है, ये चीज डिकोड करना। अब क्या होगा, फाइनली एक सिग्नल का पैकेट बनाया जाएगा। बेसिकली जब क्या करते हैं, जब बहुत सारे बिस्किट होते हैं ना, तो आपने देखा होगा फूड फैक्ट्री वगैरह में सारे बिस्किट को एक पैकेट के अंदर लगते हैं, फिर उसके अंदर 10 रुपए का वो बेसिकली एक पैकेट, पार्ले जी का पैकेट बनाया, फिर उसको आगे बढ़ा दिया। तो क्या होगा, अब ये होगा कि अब क्या होगा, इसका एक पैकेट बनाया जाएगा, इसका एक पैकेट बनाया जाएगा, एक सिग्नल के फॉर्म में इसको पास कर दिया जाएगा, किसके पास, ALU के पास, किसके पास, ALU के पास। ठीक है, अब ALU क्या देखेगा, ALU को सिर्फ डेटा मिल गया, ऑपरेशन मिल गया और दूसरा डेटा मिल गया। बेसिकली उसको ALU को क्या मिला, A मिल गया, उसको पता चल गया ऑपरेशन क्या करना है और उसको बी मिल गया। बेसिकली अब ALU को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका आंसर निकाल देना है। ठीक है, मान लो ए के अंदर 5 होता और बी के अंदर 3 होता, क्या होता, ए के अंदर 5 और बी के अंदर 3 होता, तो यहां पर क्या हमारा 3 बेसिकली सॉरी 5 और यहां पर होता 3, तो फाइनली ALU क्या करता, 5+3 करता और लास्ट में हमको 8 वैल्यू को स्टोर करवा देता या 8 जो है आंसर लेके आ जाता। इस मतलब इस ALU की प्रोसेस को बोला जाता है एग्जीक्यूट, क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूट करना। ठीक है भाई, तो हमने 3 चीजें समझी, हमने समझा फेच करना, फेच बेसिकली मेमोरी से कंट्रोल यूनिट के पास इंस्ट्रक्शन को लेके आना, डिकोड मतलब क्या हुआ, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको ये समझना कि इसके अंदर क्या डेटा की और क्या ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन करना, मतलब इंस्ट्रक्शन को ऐसे ऑपरेशन होता है, एक एक चीज खोल खोल के देखना इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या है, इसको कहा जाता है डिकोड करना। और फाइनली एक सिग्नल पैकेट, फाइनली एक सिग्नल पैकेट बना के ALU के पास ये भेज देना, ये सिग्नल भेज देना कि इसको एक काम करो, इसको एग्जीक्यूट करवा दो, इसको ए प्लस बी को एग्जीक्यूट करा दो, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट कराना। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये चॉइस है कि या तो हम इस रिजल्ट को यूजर को डिस्प्ले करवा दें और या फिर इसको मेमोरी के अंदर, इसको मेमोरी के अंदर कहां पर, इस मेमोरी के अंदर स्टोर करवा दें, क्या करवा दें, स्टोर करवा दें, क्या करवा दें भैया, स्टोर करवा दें। ठीक है भाई, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भैया, हमने पढ़ लिया, हमने इस पूरी वीडियो के अंदर अभी तक ये चीज पढ़ा कि भैया एक क्या होता है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा फेच क्या होता है, डिकोड क्या होता है, एग्जीक्यूट क्या होता है और स्टोर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, यहां पर आओ मेरे पास, इस डायग्राम के अंदर आओ, इस डायग्राम के अंदर आप थोड़ा सा मेरे संग नजर दौड़ाओ अपनी, क्या करो नजर दौड़ाओ। ठीक है,
इस डायग्राम के अंदर नजर दौड़ाओ मेरे साथ, इस डायग्राम के अंदर नजर दौड़ाओ। बेसिकली क्या होगा, यहां से हम इनपुट भेजेंगे, इनपुट क्या होगा, इनपुट मान लो ए प्लस बी, फाइनली एक इनपुट यहां पे आने वाला है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो ऐसे काम करो, थोड़ा सा और स्लो करो इस चीज को, थोड़ा सा हम इसको और स्लो करते हैं, ठीक है। और स्लो किया तो क्या हुआ भैया, पहले यूजर ने ए डाला, कंट्रोल यूनिट ने बोला कि भाई ए आया है, तो काम करो ए को मेमोरी में भेज दो, तो ये ए क्या होगा अब यहाँ से मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है भाई। थोड़ी देर बाद आप बोलोगे भैया नहीं यार ए को प्लस कर दो, ठीक है, प्लस करने का ऑपरेशन भी मेमोरी के अंदर कंट्रोल यूनिट भेज देगा। फिर क्या बोलेगा, थोड़ी देर बाद आपने बी भेजा, आपने बोला कि चलो बी भी रख लो, मतलब हमको बेसिकली लास्ट में ए भी चाहिए, तो यूजर ने क्या किया, इनपुट दिया ए और प्लस बी, कंट्रोल यूनिट ने इसको एक एक करके मेमोरी के पास भेज दिया, ठीक है भाई, इतना कर लिया, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि यार मैं चाहता हूं कि इन दोनों को प्लस करके मुझे रिजल्ट रिटर्न कर दो, ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट क्या बोलेगा, अच्छा ए, ए को एक काम करो बुलाओ, ए की इंफॉर्मेशन मेमोरी से लेके आओ, तो ए की इंफॉर्मेशन मेमोरी से यहां आ जाएगी। फिर क्या बोलेगा, ऑपरेशन बताओ, फिर बोलेगा बी की इंफॉर्मेशन को क्या करो, बी की इंफॉर्मेशन को मेमोरी से लेकर आओ, ठीक है भाई। फिर इसका एक सिग्नल पैकेट बनाएगा, एक सिग्नल का पैकेट बनाएगा और उसको एएलयू के पास, इसको एएलयू के पास, बेसिकली एएलयू के पास भेज देगा, और एएलयू क्या करेगा, एएलयू फाइनली एएलयू बेसिकली फाइनली ए प्लस बी का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट को हमको या तो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा और या फिर वापस मेमोरी के अंदर भेज देगा, वापस मेमोरी के अंदर भेज देगा फर्दर यूज के लिए, या फिर आप जब मांगो तब आपको मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको जब मैंने ये चीज बोली है जो, उसको एक एक करके यहाँ पर नोट करवा देता हूँ विद थोड़ा सा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है भैया। तो फेच का मतलब क्या होता है, फेच बेसिकली कंट्रोल यूनिट करता है, क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेकर आता है, ठीक है भाई, फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है भाई। प्रोग्राम काउंटर क्या होल्ड करता है, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखता है, और जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है कौन सा भैया, आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है वो करेंट इंस्ट्रक्शन को, किसको भैया, करेंट इंस्ट्रक्शन को लोड करता है, ठीक है भैया, किसको करता है, लोड करता है, करेंट इंस्ट्रक्शन को लोड करता है, ये लिखा है फेच के बारे में, ठीक है भाई, ठीक है। डिकोड के बारे में देख लेते हैं, मैंने डिकोड बोला था, डिकोड इंटरप्रेट करता है किसको, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है कि इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डेटा है और क्या ऑपरेशन है, क्या भैया क्या डेटा है, कहां गया भैया, हाँ वो ऑपरेशन को और डेटा को डिटरमाइन करता है, क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है भाई, ठीक है। और क्या करता है, एक सिग्नल जनरेट कर देता है, क्या करता है, एक सिग्नल जनरेट कर देता है किसके लिए, एएलयू के लिए, किसके लिए, एएलयू के लिए, ठीक है भाई, इसको नोट कर लो, ठीक है। बेसिकली जो मैंने बोला है यहां पर लिखा हुआ है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो उसके बाद मैंने बोला, उसके बाद बोला भैया एग्जीक्यूट के बारे में, एग्जीक्यूट बेसिकली क्या करता है, एएलयू बेसिकली उस पर्टिकुलर सिग्नल के अंदर जो जो लिखा हुआ है उस सिग्नल को बेसिकली एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, और फाइनली जो ऑपरेशन का रिजल्ट होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है या फिर डिस्प्ले पर दिखा दिया जाता है, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको बेसिकली पढ़ते पढ़ते एक बार नोट करते रहना, ठीक है, ठीक है भैया। यहाँ पर स्टोर के आगे लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर जरूरत होगी तो स्टोर करेंगे, वरना क्या करेंगे, डिस्प्ले पर स्क्रीन करा देंगे, इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है भाई, कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। ये डायग्राम है, अगर आपको मन कर रहा है इस डायग्राम को थोड़ा सा एक बार एनालाइज करने का, तो आप इस डायग्राम को भी एनालाइज कर सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद, बहुत बढ़िया। तो देखो ये वीडियो के अंदर फाइनली हमने पढ़ लिया है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में, जो हमने पहले पढ़ा था वही की वही है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो एक डेफिनेशन पढ़ना सिंगल मेमोरी वाली, उसके बाद पूरा का पूरा फंक्शन यूनिट उतार देना पेपर के अंदर अगर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद फेच एग्जीक्यूशन साइकिल जो है वो मुझे बेसिकली आपको कंट्रोल यूनिट की फंक्शनिंग बतानी थी, और बेसिकली कैसे जो है एक एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, ये तो ए प्लस बी का सिर्फ एक एग्जाम्पल था, और अच्छी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसी तरह से एग्जीक्यूट होती है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।